50 लाख घरों की तामीर का मंसूबा, 7 अजला में रजिस्ट्रेशन का आगाज। हुकूमत ने फॉर्म का इजरा शुरू कर दिया, अवाम का नादरा की वेबसाइट पर धावा। पहले दिन 174 ममालिक से 2 लाख अफराद ने विजिट किया, 1,25,000 फॉर्म डाउनलोड हो गए। वेबसाइट कुछ देर के लिए क्रैश भी हुई। रजिस्ट्रेशन का अमल 2 माह में मुकम्मल होगा। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन अपना आशियाना बना सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा कीमत 25 लाख होगी। आसान अकसात 15 से 20 साल में देनी होंगी। सरकार की जमीन जो अभी हमने वागुजार करवाई है, बहुत बड़ी ज़मीन, कोई बहुत मुश्किल स्कीम भी नहीं है, बड़ी सिंपल है कि सरकार की ज़मीन कोलेट्रल होगी, बैंक कर्जा देगा, आप उसके ऊपर लोग जो है वो अपने घर जो है वो बना सकेंगे। जो लीगल रास्ता है उसमें सिर्फ 10 बिलियन की आ रही है, जो हमारा जो खसारा है वो है ही तकरीबन $10 बिलियन। जमीन सरकार की, कर्जा बैंक देंगे, हुकूमत पैसा नहीं लगाएगी। वजीर इत्तला हाउसिंग प्रोग्राम पर अभाम दूर करने आए लेकिन गलत इत्तला दे गए। हाउसिंग लोन को दुनिया का महफूज तरीन कर्ज करार दिया। कानूनी रास्ते से आने वाली तरसीलात जर 20 अरब डॉलर से कम करके 10 अरब डॉलर कर दी। खसारा सिर्फ 10 अरब बताया। कायदे आजम से लेकर नवाज शरीफ साहब के दौर तक जो 70 साल में बने हैं, उनकी तादाद जो है वो 49,54,215 है। अगले 5 सालों में FPR जो है टैक्स जमा करेगी ना, एक एक पैसा जो जमा करेगी ना FPR, वो भी 24,300 तक शायद ना पहुंचे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, नून लीग ने तारीफ के साथ सवालात भी उठाए। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं तहरीक इंसाफ की नीयत पर शक नहीं, मगर 5 साल में 24,300 अरब रुपए आएंगे कहां से? इतनी रकम तो FBR 5 साल में भी जमा नहीं कर सकता। कहीं अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे तो नहीं लगाया जा रहा? गुज़श्ता 10 सालों में जो हालत हुई है पाकिस्तान की, मुआशी हालत हुई है, उसकी जिम्मेदारी का भी तायुन होना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन के ऊपर मबनी एक पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। लोग पूछते हैं कि उन हाई प्रोफाइल केसेस का क्या बना, आपको ये कहा है कि आप इन मामला को जो है वो तेज करें। बड़े डाकुओं से पैसा निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल की पुरानी करप्शन पर कमीशन बनाने का बिल असेंबली में पेश करेंगे। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नैप को हाई प्रोफाइल केसेस पर काम तेज करने का कह दिया है। वफाकी काबीना का इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जामे ऑडिट का फैसला, स्मगल शुदा मोबाइल फोन बंद करने और सिगरेट माफिया के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का ऐलान। हाजिर सर्विस एयर मार्शल अरशद मलिक, चेयरमैन PIA तैनात। हुकूमत ने IMF से बेल आउट पैकेज के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। इंडोनेशिया में वफाकी वजीर खजाना असद उमर और गावना स्टेट बैंक की MD IMF से मुलाकात। IMF की जायजा टीम अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगी। अमन इजलास जो हमने बुलाया, यहाँ अपोजिशन के तमाम मेंबरान ने इन कैमरों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। हमने तो इस पार्लियामेंट पे हमला होते हुए लाइव कवरेज दी थी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ नून लीग ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर ऐवान सजा लिया। अयाज सादिक अलामती स्पीकर बन गए। रहनुमाओं के धुआंधार खिताब, मरियम औरंगजेब बोली वजीर आजम को घसीटने की बात तो कोई नहीं कर रहा, सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। एहतजाज में पीपल्स पार्टी का कोई रुकन शरीक नहीं हुआ। JUI के मौलाना अतर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ खूब भड़ास निकाली। 16 अक्टूबर को नून लीग के पार्लिमानी इजलास के लिए शहबाज शरीफ की हाजिरी के अहकाम जारी किए जाएं। लीगी रहनुमा ने स्पीकर कौमी असम्बली को दरख्वास्त दे दी। शहबाज शरीफ का रिमांड भी उसी रोज खत्म होगा। स्पीकर असद कैसर कौमी असम्बली के 17 अक्टूबर के इजलास के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर पहले ही जारी कर चुके हैं। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ खानदान की मुश्किलात भी बढ़ गई। नैब अदालत ने शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान की जायदाद जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया। अली इमरान पर पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी से 13 करोड़ रुपए रिश्वत लेने और साफ पानी कंपनी को किराए पर दफ्तर देने का इल्जाम है। मुल्ज़िम फौरन गिरफ्तारी जारी होने के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान भी नैब के शिकंजे में आ गए। गैर कानूनी ठेके देने और 550 अफराद को खिलाफ जाब्ता भर्ती का इल्जाम। स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भी खुदबुर्द का इंकशाफ। साबिक VC और रजिस्ट्रार समेत 5 अफराद गिरफ्तार। कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा।
एक शख्स कंटेनर पर चढ़कर कहता था कर्ज लिया तो खुदकुशी कर लूंगा, अब कहता है कर्ज लिया तो कौन सी कयामत आ गई। टैक्सिला में लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की तब्दीली सरकार पर कड़ी तनकीद, बोले मुल्क चंदे से नहीं चलते, डॉलर की कीमत कहां से कहां पहुंच गई, इमरान खान जाली मैंडेट वाले और नवाज शरीफ दिलों के वजीर आजम करार। ना ये मुझे एमक्यूएम के इलाकों में काम करने से रोकेंगे और ना मैं इनको कहूंगा कि जी पीपल्स पार्टी के इलाकों में काम मत करो। क्या कराची के हालात बदलने वाले हैं? वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी मेयर कराची के दफ्तर पहुंच गए, सियासी मुखालफीन शीरो शकर हो गए, बल्दियाती नुमाइंदों की पूरी मदद का वादा, वसीम अख्तर ने भी मिलकर काम करने का अहद किया, आइंदा एक दूसरे पर कातिल और डाकुओं के इल्जाम आयद न करने पर इत्तफाक। मिनरल वाटर कंपनियों को मुफ्त का पानी नहीं मिलेगा, एक रुपया फी लीटर अदायगी पर तैयार है तो ठीक वरना सनद बंद करें। मिनरल वाटर केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा तमाम बड़े वकील बड़ी कंपनीज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कोई नहीं करता। दौरान समाअत इश्क मोहब्बत का जिक्र, मुनसिफ आला बोले मुझे तो इश्क का तजुर्बा नहीं, मुमकिन है आपको हो, मुल्क को माशूका समझ कर ही इसका ख्याल करें। सखर की तहसील साले पट में अलमनाक हादसा, बाहर खेलते बच्चों पर घर की दीवार गिर गई, 9 बच्चे जहां बहक 2 जख्मी, समोश अंबानी की दुनिया ही लुट गई, 2 बेटियां और 1 बेटा लुकमा अजल बन गया, एक साथ 9 जनाजे उठे तो कोहराम मच गया। सहराए थर में जिंदगी थर थर आने लगी, गजाई किल्लत के बायस मिट्टी के अस्पताल में मजीद 4 फूल मुरझा गए, रवा साल मरने वाले बच्चों की तादाद 490 हो गई, गजाई किल्लत के बायस बच्चों की अमवात पर चीफ जस्टिस बरहम, अस खुद नोटिस की समात पर कहा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो थरवासियों की मदद करें, मुफ्त खुराक और दवाओं के लिए चंदा भी मांगना पड़े तो मांगे, सिंध हुकूमत को 2 हफ्ते की मोहलत, रिमार्क्स दिए मिट्टी अस्पताल में अब किसी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए, इतवार को खुद दौरा करने का ऐलान। और झिलमिल करते पानी पर हिम्मत का नक्श बनाते जाओ, करतब पर करतब दिखाते जाओ, इस्लामाबाद के खानपुर डैम में स्की बोर्डिंग का शानदार मुजाहरा, आप भी पानी की लहरों पर प्रवास करना चाहें तो खानपुर डैम आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आगाज। किरण आफ्ताब, आगाज करते एक अहम खबर आपको देते हैं, सदर मुमलिकत ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को हटाने की मंजूरी दे दी, वजारत कानून ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को ओहदे से हटाने की सिफारिश की थी। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है समा के नुमाइंदे जुल्कनैन इकबाल। जुल्कनैन, बहुत बड़ा फैसला है ये। जी बिल्कुल, ये पहली बार हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने किसी सिटिंग जज को ओहदे से हटाने की सिफारिश की हो और उसकी सिफारिश को मनमान सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूर भी कर लिया गया हो। जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी ने रावलपिंडी बात से खिताब करते हुए अदलिया के मामला में असाकेदारों की मुदाखलत का इल्जाम आयद किया था, जिसके ऊपर नोटिस देते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनसे शवाहिद मांगे थे और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज से अपने कमेंट्स भी मांगे थे। जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी वो शवाहिद पेश करने में नाकाम रहे, जिसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सदर मुमलिकत को उनकी बरतरफी की सिफारिश आज भिजवाई थी, उनसे सिफारिश के ऊपर अमल करते हुए सदर मुमलिकत है खुद ने सिफारिशात को मंजूर करते हुए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को ओहदे से बरतरफ करने का मंजूरी दे रही, जिसके बाद वजारत कानून ने अब उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को फौरी तौर पर उनके ओहदे से हटाया जाता है, यानी कि अब आज ही से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी अपने ओहदे से बरतरफ सफर होंगे और कल से वो अपनी अदालत में नहीं जा सकेंगे। जी फैसल, वजह बता सकते हैं इस फैसले की? देखिए, ये जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने आपको याद होगा रावलपिंडी बार से खिताब करते हुए असाकेदारों पर इल्जाम आयद किए थे कि असाकेदारे अदलिया के काम में मुदाखलत करते हैं, चीफ जस्टिस से मिलके उनकी हाईकोर्ट के अंदर ही मनपसंद बेंचेस बनवाए जाते हैं। उन्होंने पर्टिकुलरली जो नवाज शरीफ के हवाले से केस है पनामा का, उसका जिक्र करते हुए कहा था कि ये कोशिश थी असाकेदारों की कि उसमें शौकत अजीज सिद्दीकी को शामिल ना किया जाए, इस बात का नोटिस लिया था, इस बात का नोटिस लिया गया था, जिसके बाद ये सारी चीजें हुई। बहुत शुक्रिया आपका जुल्कनैन।
बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की, जो एक और नामुमकिन को मुमकिन बनाने निकल पड़े। मुल्क भर में बेघर अफराद को घर फराहम करने का जो वादा किया था उसकी तकमील का पहला मरहला शुरू हो गया। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत 7 अजला में नादरा ने फॉर्म के इजरा का आगाज कर दिया। स्कीम में अवाम की खिड़की तोड़ दिलचस्पी देखी जा रही है। पहले ही दिन 1,25,000 से ज्यादा फॉर्म डाउनलोड किए गए। इमरान खान नामुमकिन को मुमकिन करने वाली शख्सियत। क्रिकेट टीम के कप्तान बने तो पाकिस्तान को ऐसी कामयाबियां दिलाई जो मिसाल बन गई। आलमी चैंपियन बनने का ख्वाब भी पूरा किया। शौकत खानम अस्पताल को भी नाकदीन दीवाने का ख्वाब करार देते थे, मगर इमरान खान ने न सिर्फ अस्पताल बनाया बल्कि कामयाबी से चलाकर भी दिखाया। सियासत में आए तो उनका वजीर आजम बनना बहुत से लोगों को नामुमकिन लगता था, लेकिन इमरान खान ने ये मंजिल भी पा ली। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और वफादार रहूंगा। अब इमरान खान ने कौम से एक और वादा किया है। जिस मुल्क में 70 साल में सिर्फ 1,92,00,000 मकान बने हैं, जिनमें से 1,03,00,000 पक्के हैं, इमरान खान ने 5 साल में 50,00,000 घरों की तामीर का ऐलान किया है। मैं अनाउंस कर रहा हूँ एक नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी। इमरान खान के नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को मुल्क और बैरून मुल्क भरपूर पजीराई मिल रही है। पहले मरहले में 7 शहरों में फॉर्म का इजरा शुरू हुआ। पहले ही दिन नादरा की वेबसाइट पर दुनिया के 174 ममालिक से 3,00,000 से ज़ायद लोगों ने विजिट किया। वेबसाइट आरजी तौर पर क्रैश कर गई। अब तक 1,25,000 फॉर्म डाउनलोड किए जा चुके हैं। मुखालिफीन तो स्कीम पर शकूक का इजहार कर रहे हैं, मगर इमरान खान के दीवानों को यकीन है कि पिछली कामयाबियों की तरह इमरान खान फिल्मी अंदाज में 50,00,000 घरों की तामीर और मुल्क की तकदीर बदलने का बज़ाहिर नामुमकिन मरहला भी तय कर लेंगे। वजीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं हाउसिंग स्कीम में घरों की तामीर के लिए बैंक कर्जा देंगे, सरकारी जमीन बतौर जमानत रहेगी। नैब को हाई प्रोफाइल केसेस पर काम तेज करने का भी कहा है। इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट का जाम ऑडिट कराया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए वजीर इत्तला ने मजीद क्या कहा, सुनते हैं। सरकार की जमीन जो भी हमने वागुजार करवाई है, महकमों की जमीनें हैं जो पड़ी हुई हैं, वो जमीन हम बैंक को प्लेज करेंगे और प्राइवेट सेक्टर उसके ऊपर घर बनाएगा। सरकार की जमीन जो है वो कोलेटरल होगा बैंक के पास, बैंक कर्जा देगा, आप उसके ऊपर लोग जो है वो अपने घर जो है वो बना सकेंगे। बैंक्स हैं उनको भी सेफ्टी है, जो लैंड्स हैं आपने जो कहा कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, अपना घर अथॉरिटी जो है ये 2 महीने में बनेगी, नेगोशिएट करेगी बैंक्स के साथ कि इसके ऊपर जो है वो क्या होगा, लेकिन मिनिमल होगा, जो कमर्शियल रेट्स हैं जो बाकियों को वो नहीं होंगे। हाउसिंग का भी लोन जो है वो वन ऑफ द सेफेस्ट लोन है। 2 कमरों का घर बनेगा तो आप समझें कि 5 से 7 लाख रुपए में बनेगा, इतने की ही ज़मीन जो है वो बैंक के पास प्लेज है, सो वो बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये सेफ लोन। अगर मेरा पैसा आप पैसे नहीं दे पाते तो बैंक को ये यकीन होना चाहिए कि वो अपना पैसा निकलवा सके। कलेक्टरल है आपकी ज़मीन जो सरकार दे रही है, तो आपका तो कुछ है ही नहीं। वज़ीर आज़म की जानिब से लाखों घरों के मंसूबे पर माहिरीन ने मुख्तलिफ राय का इजहार किया। समा से गुफ्तगू में किसने क्या बताया आप भी जानिए। 50,00,000 घरों के मंसूबे पर माहिर मौशियात शाहिद हसन सिद्दीकी ने सवाल उठाया कि बैंक इतना कर्ज क्यों देंगे। तो बैंकों के पास कहाँ है पैसा इस वक्त और वो क्यों देंगे, इसलिए कि 50% से ज्यादा डिपॉजिट उन बैंकों के पास है जो अब उनकी मुल्कियत नहीं है, जो पाकिस्तानी है। साबिक वफाकी वजीर सलमान शाह ने कहा कि देखना होगा हुकूमत इसके लिए क्या इंतजाम करती है। आई थिंक उस किस्म के टारगेट्स जो हैं वो एक नोशनल टारगेट्स तो हो सकते हैं, एक्चुअली वो अचीव होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि आप किस किस्म का निज़ाम बनाते हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मंसूबे के लिए दरकार रकम जमा ही नहीं हो सकती। अगले 5 सालों में FPR जो है टैक्स जमा करेगी ना, एक एक पैसा जो जमा करेगी ना FPR, वो भी 24,300 तक शायद ना पहुंचे। उधर आबाद के साबिक चेयरमैन हनीफ गौहर का कहना था कि आधे घर भी बन गए तो मंसूबे की कामयाबी तसव्वुर होगी। मैं ये समझता हूँ एज अ चेयरमैन आबाद पूरे इस फील्ड के अंदर हूँ, इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल ड्यूएबल होगा। खुदा ना खास्ता 50,00,000 घर नहीं कर सके, उसके आधे भी कर दिए तो मैं समझता हूँ इनकी स्कीम कामयाब हो गई। दूसरी जानिब साबिक MD हाउसिंग एंड फाइनेंस कमेटी ज़ैगम रिज़वी का कहना था कि ये मंसूबा काबिले अमल है।
नए पाकिस्तान में 50 लाख मकानात की तामीर का मंसूबा नया नहीं है। अयूब खान से नवाज शरीफ तक अपने घर के ख्वाब दिखाए गए, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत ना बन सके। इन तमाम हाउसिंग स्कीम्स पर एक नज़र डालते हैं। अपना घर, प्यारा घर, हमारा घर, ये हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। पाकिस्तान में हुक्मरान ये ख्वाब दिखाते आए हैं, लोग ये ख्वाब देखते आए हैं। नए पाकिस्तान की हुकूमत का ये मंसूबा भी नया नहीं। 1969 में अयूब खान ने कराची की झुग्गियों में आबाद खानदानों के लिए कोरंगी टाउनशिप हाउसिंग स्कीम बनाई। 1972 में जुल्फकार भुट्टो ने बेघर अफराद के लिए 5 मल्ला रिहायशी स्कीम मुतारिफ करवाई थी। 1987 में मोहम्मद खान जुनेजो ने अपनी बस्ती बसाने का इरादा किया था। 1.5 लाख यूनिट्स तामीर किए जाने थे। 1996 में बेनजीर भुट्टो ने भी यही ख्वाब मुतवस्सित तबके को दिखाया था। 1997 में नवाज शरीफ ने मेरा घर का उन्वान दिया, 20,000 एकड़ जमीन हासिल कर ली। 2010 में शहबाज शरीफ हुकूमत ने आशियाना हाउसिंग स्कीम की बुनियाद रखी थी। 2014 में फिर नवाज शरीफ ने 5 लाख रिहायशी यूनिट्स के लिए अपना घर के ख्वाब दिखाए थे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान से 2000 कनाल जमीन हासिल की गई, मगर ये घर गरीब और मुस्तकीन के लिए ख्वाब ही रहे, कभी जमीनी हकीकत न बन सके। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही डिस इंफॉर्मेशन फैलाने लगे, कहते हैं कानूनी रास्ते से आने वाली तरसीलात जर 10 अरब डॉलर्स हैं, तजारती खसारा भी 10 अरब डॉलर्स है। हाउसिंग लोन को दुनिया का महफूज तरीन कर्ज करार दिया। इत्तलात के वजीर ने मजीद क्या गलत इत्तलात दी, आप भी देखिए। गूगल किया था, मैंने भी गूगल किया था, आप भी करते। मैं माजरत चाहता हूँ। उस तरह से इन लोगों ने बेड़ा गर्क। कभी जोशे वजारत, कभी जोशे खिताबत। ये नहीं हो सकता कि एमएनए और एमपीएस आपको फोन करें और आप ये भी जहमत ना करें कि एमएनए एमपीए को वापस फोन करें। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही डिस इंफॉर्मेशन फैलाने लगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र के आदाद और शुमार गलत बता दिए। 40 बिलियन यूएस डॉलर की रेमिटेंसेस जो हैं पाकिस्तान में आती हैं, लेकिन जो लीगल रास्ता है उसमें सिर्फ 10 बिलियन की आ रही है। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक कानूनी रास्ते से आने वाली तरसीलात ज़र 20 अरब डॉलर है। फवाद चौधरी ने मुल्क का खसारा भी कम बताया। हमें टोटल इस वक्त पाकिस्तान को, इस वक्त ये मुल्क जो हमारा जो खसारा है वो है ही तकरीबन 10 बिलियन डॉलर का। हालांकि मरकजी बैंक के मुताबिक तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर, जारी खातों का खसारा 17 अरब डॉलर है। अगर इस बजट में खसारा भी मिला लें तो ये कहीं ज्यादा हो जाता है। वजीर इत्तलात ने हाउसिंग लोन के मुतालिक भी मुतनाज़े दावा किया। हाउसिंग का भी लोन जो है वो वन ऑफ द सेफेस्ट लोन है, तो वो बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये सेफ लोन है। माहिरीन के मुताबिक 2008 में अमरीका और UAE में मालियाती इदारों के डूबने और बदतरीन मुआशी बहरान की वजह यही हाउसिंग लोन थे। लगता ऐसा है कि खिलाड़ी अपने कप्तान से बागी हो गया, या फिर तब्दीली सरकार ने पॉलिसी तब्दील कर ली। वजीर इत्तलात की बातों से आखिर मतलब लिया क्या जाए। जो बातें इमरान खान माजी में कहा करते थे, फवाद चौधरी उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ गुफ्तगू करते नजर आते हैं। खबर ये कि हमारा जो 1 रुपया 130 रुपए पे डॉलर पे पहुंच गया, ये आपको समझ रही है बात, क्योंकि ये आपको मुतासर करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि आम आदमी जो है उसका डॉलर इतना बड़ा मसला है जितना आपने कहा। जितना जितना रुपया गिरेगा उतने कर्जे बढ़ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आम आदमी जो है उसका डॉलर इतना बड़ा मसला है जितना आपने कहा। मैं आपको इंश्योर करूंगा, जिस तरह हमने केपी की पुलिस में किया, आइसोलेट किया पॉलिटिकल प्रेशर से, जो ब्यूरोक्रेट हमारे इन अहकामात के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा उसको घर जाना होगा। पॉलिटिकल क्लास यूज्ड टू है कि अपना आते साथ ही अपना थानेदार रखवाते हैं, अपने लोग रखवाते हैं। जो मिनिस्टर्स हैं उनको पूरा हक है, वो बताएं वो किसके साथ काम करना चाहते हैं, वो अपने ऑफिसर्स लगाएंगे। MP से प्रेशर आया बहुत, ऐसे तो हम इलेक्शन ही नहीं जीतेंगे। उनको हमने आहिस्ता आहिस्ता डीपोलिटिसाइज किया अपनी पुलिस को। जो लोग हमारे MNAs और MPAs मुंतखब होके आए हैं उनका ये फर्ज है कि वो एक पॉलिटिकल ओवरसाइट रखें लोगों के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, कि हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि MNA और MPAs आपको फोन करें और आप ये भी जहमत ना करें कि MNA MPA को वापस फोन करें। किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं देते।
10 سال میں قرضہ کس طرح 30,000 ارب تک پہنچا؟ کابینہ نے تفصیلات مانگ لیں۔ چیئرمین پی آئی اے سمیت اہم اداروں میں سربراہان کے تقرر کی منظوری۔ نیب کو بڑے مقدمات جلد نمٹانے کی ہدایت کر دی گئی۔ عباس شبیر کی رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ ایئر مارشل ارشد محمود ملک کو پی آئی اے کا چیئرمین، محمد میاں سومرو کو نجکاری کمیشن کا سربراہ، جبکہ اون عباس کو بیت المال کا ایم ڈی مقرر کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے وزارت خزانہ سے گزشتہ 10 برسوں میں لیے گئے قرضوں اور ان کے استعمال کی تفصیلات بھی مانگ لی۔ پچھلے 10 سال میں پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب کابینہ نے اسی عمل میں شامل 3,000 ناموں کی سکروٹنی اور نیو اسلام آباد ایئرپورٹ منصوبے کے آڈٹ کی بھی ہدایت کی۔ قومی احتساب بیورو کو بڑے مقدمات جلد نمٹانے کا کہہ دیا گیا۔ پاکستان اور مراکش کے درمیان صنعتی تعاون کے معاہدے اور کے الیکٹرک کے معاملات کے لیے رزاق داؤد کی سربراہی میں کمیٹی قائم کرنے کی منظوری دی گئی۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف اپوزیشن نے شارۂ دستور پر احتجاجی اجلاس کیا۔ ایاز صادق اسپیکر بنے، ارکان نے حکومت کے خلاف خوب بھڑاس نکالی۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی احتجاج سے غائب رہی۔ اسلام آباد سے رحم خان کی رپورٹ۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف نون لیگ اور حامی جماعتیں سراپا احتجاج۔ پارلیمنٹ میں میڈیا کوریج کی اجازت نہ ملنے پر مظاہرین کے شاہراہ دستور پر ڈیرے۔ ظلم کے سامنے ایاز صادق سپیکر بن گئے۔ بامشکل گاؤن کا انتظام ہونے پر کارروائی سنبھال لی، پھر حکمرانوں کے خوب لتے لیے گئے۔ مشاہد اللہ خان تو ذاتیات پر بھی اتر آئے۔ جن کی گھر والیاں اپنی مدت پوری نہیں کرتی، ان کی حکومت بھی اپنی مدت پوری نہیں کرتی۔ اجلاس میں شہباز شریف کی گرفتاری، 54 روز میں 2800 ارب کے نقصان، مہنگائی کے طوفان، سی پیک کو متنازع بنائے جانے، قرض کے لیے آئی ایم ایف سے رجوع اور میڈیا کو پارلیمنٹ میں داخلے سے روکنے سمیت 7 موضوعات پر مذمتی قراردادیں منظور کر لی گئی۔ سیاسی انتقال کا سلسلہ بند نہ کیا گیا تو جناب اسپیکر، یہ جو احتجاج ہے یہ پھر پارلیمنٹ کے احتجاج سے جو ہے وہ آگے جائے۔ نون لیگ کے احتجاج میں جے یو آئی ایف اے اور پشتونخوا میپ تو شریک تھیں، لیکن پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی والے کہیں نظر نہ آئے۔ 16 اکتوبر کے پارلیمانی اجلاس کے لیے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں۔ مسلم لیگ نون نے اسپیکر قومی اسمبلی کو درخواست کر دی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سردار ایاز صادق کی جانب سے بھجوائی گئی درخواست میں کہا گیا کہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 16 اکتوبر شام 4 بجے بلایا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت کے لیے پارٹی صدر کی موجودگی ضروری ہے۔ شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں۔ 17 اکتوبر کو قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر پہلے ہی جاری کیے جا چکے۔ اور نیب لاہور نے سلمان شہباز سے کاروبار اور جائیداد کی تفصیل سمیت بیرون ملک دوروں کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز گزشتہ روز نیب لاہور میں پیش ہوئے تھے۔ نیب نے سلمان شہباز کو ایک سوال نامہ دیا ہے جس میں آمدن اور اخراجات کی تفصیل بتانا ہوگی۔ تمام بینک اکاؤنٹس، بیرون ملک اثاثوں، زرعی زمینوں اور مختلف کلبس کی ممبرشپ سے متعلق بھی سوالات کیے گئے ہیں۔ نیب نے سلمان شہباز کو 7 دن میں تحریری جواب داخل کرانے کی مہلت دی ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف کے داماد علی عمران کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ علی عمران پر پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی سے 13 کروڑ روپے رشوت لینے کا الزام ہے۔ شاہد حسین رپورٹ کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کی مشکلات میں مزید اضافہ، داماد علی عمران کے خلاف نیب کی بڑی کامیابی، احتساب عدالت کا جائیداد ضبط کرنے کا حکم۔ علی عمران پر الزام ہے کہ پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کے سی ایف او نوید اکرام سے 13 کروڑ روپے بطور رشوت لیے، صاف پانی کمپنی کو اپنے پلازے میں دفاتر کرائے پر دیے۔ نیب نے وارنٹ جاری کیے تو ملزم بیرون ملک فرار ہو گیا۔ علی عمران کے احساسوں میں ایم ایم عالم روڈ پر ایک پلازا شامل ہے جس میں سے بیشتر دفاتر اور اپارٹمنٹس فروخت کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ گلبرگ لاہور میں 2 پلاٹ اور 1 فیڈ مل سمیت 2 فیکٹریاں شامل ہیں۔ نیب لاہور کی مزید بات کرتے ہیں، جس نے پنجاب یونیورسٹی میں بے ضابطگیوں کے کیس میں سابق وائس چانسلر مجاہد کامران کو گرفتار کر لیا۔ شریک ملزمان میں سابق رجسٹرار سمیت 5 افراد شامل ہیں۔ محمد علی جڑ کی رپورٹ۔ پنجاب یونیورسٹی میں کرپشن پر نیب کا ایکشن، سابق وائس چانسلر مجاہد کامران گرفتار، اہم عہدوں پر رہنے والے 5 شریک ملزم بھی پکڑے گئے۔
مجاہد کامران پر الزام ہے کہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی ٹھیکے دیے، 550 سے زائد افراد کو بھرتی کیا۔ سابق وائس چانسلر پر اسکالرشپ کی رقم میں خرد برد کا بھی الزام ہے۔ مجاہد کامران 9 سال تک پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ جونیئر ہونے کے باوجود اپنی اہلیہ شازیہ قریشی کو لا کالج کی پرنسپل تعینات کر دیا۔ نیب نے غیر قانونی احکامات پر عمل کرنے والے 5 پروفیسرز کو بھی گرفتار کیا ہے۔ ملزمان میں سابق کنٹرولر امتحانات لیاقت علی اور سابق رجسٹرار اورنگزیب عالمگیر شامل ہیں۔ ملزمان کو ریمانڈ کے لیے کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ایک شخص کنٹینر پر چڑھ کر کہتا تھا قرض لیا تو خودکشی کر لوں گا، اب کہہ رہے ہیں قرض لیا تو کون سی قیامت آ گئی۔ ٹیکسلا میں لیگی رہنما حمزہ شہباز نے تبدیلی سرکار پر تابڑ توڑ وار کیے۔ کنٹینر پر چڑھ کر ایک شخص کہتا تھا کہ اگر میں نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ آئے بائیں شائیں کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے لے لیے قرضہ لے لیا، کون سی قیامت آ گئی ہے؟ یہ امر پاشا ڈیم بنانا ہے، مجھے چندہ دو، مجھے بتاؤ کہ چندے سے کبھی ملک چلتے ہیں؟ آپ گرفتار کر لو، جیلیں بھیج دو۔ عمران نیازی صاحب، پاکستانی قوم کا فیصلہ ہے کہ آپ جعلی مینڈیٹ کے وزیر اعظم ہیں اور نواز شریف پاکستانی قوم کے دلوں کا وزیر اعظم ہے۔ خدا کی 9 روپے، روپیہ کم ہو گیا، یہ 9 روپے روپیہ کم نہیں ہوا، نوٹ کر لو، 900 ارب روپیہ آپ پر قرضہ اور چڑھ گیا ہے۔ اور کراچی میں ضمنی انتخاب کا دنگل سجنے کو ہے۔ این اے 243 پر پی ٹی آئی امیدوار عالمگیر خان سما کی بائک کوریج کا حصہ بنے۔ پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال ریلی لے کر نکل پڑے۔ کراچی سے عمران خان کی چھوڑی گئی نشست این اے 243 کس کے حصے میں آئے گی؟ ضمنی انتخابی دنگل کا میلہ لگ گیا۔ سما کی بائک کوریج کا حصہ بنے این اے 243 کے ضمنی انتخاب میں تحریک انصاف کے امیدوار عالمگیر خان۔ انہوں نے بھی بلاول ہاؤس کی غیر قانونی دیواروں کی بات کی کہ بلاول ہاؤس کی دیوار کے لیے میں لڑوں گا ضرور۔ عالمگیر خان کے اس دعوے پر گورنر سے عمران اسماعیل کی یاد آ گئی۔ بلاول ہاؤس میں بھی تو پوری دوسری جانب عام انتخابات میں بدترین ناکامی کے بعد پی ایس پی پھر میدان میں آئی تو امیدوار آصف حسنین کے لیے مصطفیٰ کمال نے خصوصی طور پر کرسی منگوائی۔ ایک چیئر لگاؤ ادھر، مصطفیٰ کمال کو جیت کی امید ہے۔ آصف حسنین اگر اسمبلی میں پہنچیں گے، پھر ایک ہفتے کے بعد ارشد وورا اسمبلی میں پہنچیں گے، پھر پروونشل اسمبلی میں ہمارا ایک نمائندہ اور ہو سکتا ہے کہ دوسرا بھی نمائندہ پہنچے۔ این اے 243 پر ضمنی انتخاب 14 اکتوبر کو ہوگا۔ عمران احمد خان نیازی، عزت کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں، پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ اللہ کے سامنے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں، کڑا احتساب کرنا ہے۔ جہاں مرضی آپ شور مچا لیں، کسی قسم کا این آر او کسی ڈاکو کو نہیں ملے گا۔ خون بناتے ہو قوم کو، گرفتاریاں عمل میں لانی ہے، لا لیں۔ انتقام ہے، انتقام ہے، انتقام ہے۔ کوئی حسرت آپ کے دل میں باقی نہ رہ جائے۔ کان کھول کے سن لو کہ ایک کو تمہارے کو نہیں میں چھوڑوں گا۔ عمران ہوش ناخون دو، ہوش ناخون دو، جب سچ گیا اور قبلے جنگ بچ گیا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی اور میئر کراچی وسیم اختر کی مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران ماحول خوشگوار رہا، صحافی چپتے سوالات کرتے رہے، سعید غنی اور وسیم اختر ہنس ہنس کر جواب دیتے رہے۔ سوال ہوا کہ یہ قربتیں آگے بھی قائم رہیں گی تو وسیم اختر نے نام لیے بغیر کہا یو ٹرن کی ذمہ داری جسے دی گئی ہے اسی کے پاس رہنے دیجیے۔ اگلے سال پنجاب کے انتخابات کی دیر کی ہوئی جا رہے ہیں، کیا یہ محبت بڑھ سکتی ہے؟
मोहब्बतें तो हमेशा बढ़ती हैं, इंतजार इसी का किया जाता है, मोहब्बत आगे बढ़े। जी आप खूबसूरत बातें करके रात निकल जाते हैं, बताएं तो सही क्या क्या आपने और क्या करेंगे आप? तो कहते हैं कि मैं सीधी बात करता हूँ, आप कहते हैं मैं घुमा के निकल जाता हूँ। मैं ना कोई सुपरमैन हूँ, ना मैं कोई ऐसा शख्स हूँ कि जो चुटकी बजाय सारी चीजें, ना जादूगर हूँ ना जीव हूँ। यूटर्न जिसको जिम्मेदारी दी हुई है ना यूटर्न की, वो उन्हीं के पास रहने। मिनरल वाटर कंपनियों ने अरबों रुपए का पानी मुफ्त इस्तेमाल किया, अब मुफ्त पानी नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया। चीफ जस्टिस ने आवाम से मिनरल वाटर के बॉयकॉट की अपील की, कहा मुल्क को माशूका समझकर इसका ख्याल करें। देखिए इस्लामाबाद से ज़ुल्करैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मिनरल वाटर कंपनियों से मुतालिक केस की समाअत, अदालत ने पानी फरोशों का मुफ्त खत्म करने का तहिया कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मिनरल वाटर कंपनियों की मोटरों ने नल खुश्क कर दिए, लाहौर में जेर जमीन पानी की सतह बहुत नीचे चली गई, अगर बोतलें चलने दी तो शेखुपुरा भी खुश्क हो जाएगा। अब मिनरल वाटर कंपनियों को मुफ्त पानी इस्तेमाल नहीं करने देंगे, एक रुपया फी लीटर देना है तो ठीक, वरना सनअतें बंद कर दें। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, मिनरल वाटर कंपनियां पानी बतौर खाम माल इस्तेमाल कर रही हैं, अरबों रुपए कमा लिए, अब मुल्क को वापस करें। चीफ जस्टिस ने कहा तमाम बड़े वकील बड़ी कंपनियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कोई नहीं करता। मिनरल वाटर कंपनी के वकील एतजाज हसन बोले, चीफ जस्टिस साहब मैं पिघल गया हूँ। जस्टिस साकिब निसार ने जवाब दिया, एतजाज साहब आप दूसरी मरतबा पिघले हैं, मुझे इश्क का तजर्बा नहीं, मुमकिन है आपको हो, मुल्क को माशूका समझकर इसका ख्याल करें। चीफ जस्टिस ने आवाम से मिनरल वाटर के बायकॉट की अपील भी कर दी, सूबाई हुकूमतों को जेर जमीन पानी का रेट फिक्स करने की हदायत करते हुए समात एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। थर पार्कर में गजाई किल्लत के बायस मजीद चार बच्चे जान से गए, रवा साल बच्चों की अमवाद 490 तक पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट में अस खुद नोटिस की समात, चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आसिफ जरदारी और बिलावल खुराक की फराहमी के लिए किरदार अदा करें। जस्टिस साकिब निसार ने इतवार को मिट्टी अस्पताल का दौरा करने का ऐलान भी कर दिया। थर में एक बार फिर मौत का रग, भूख और बीमारी से मिट्टी सिविल अस्पताल में मजीद चार माओं की गोदें उजड़ गईं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अस्खुद नोटिस की समाअत, एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि इलाके में 60,000 लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत जंगी बुनियादों पर मुफ्त खुराक और अद्वियात का बंदोबस्त करे, चंदा मांगना पड़े तो मांगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी खुराक और अद्वियात की फराहमी में किरदार अदा करें। थर में बच्चों की अम्बाद पर जहां हर पाकिस्तानी को तशवीश है, वहीं सिंध हुकूमत अब भी गफलत की नींद से जागने को तैयार नहीं। मुर्तजा वहाब समा के नुमाइंदे के चश्म कुशा सवालात गोल कर गए। 300 पोस्टें खाली हैं, 154 टोटल डॉक्टर हैं। 2014 में कैंप पड़ा, हुकूमत पर प्रेशर आया, बातें भरी हुई, सरकार ड्राउट पॉलिसी ये वो हुआ कुछ नहीं। अच्छा मुझे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही जलसा लग रहा है और जलसे में खिताब संजय कर रहा है। जस्टिस साकिब निसार ने इतवार को मिट्टी अस्पताल का दौरा करने का ऐलान भी किया है। केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सखर की तहसील सालेभट में दीवार गिरने से 9 बच्चे जां बहक हुए, 2 जख्मी भी। मासूम बच्चों की नमाज जनाजा में MPA समेत इलाके मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साहिल जोगी की रिपोर्ट। सालेभट के गांव सरवर शंबानी में अलमनाक हादसा, घर के बाहर खेलते बच्चों पर अचानक दीवार गिर गई, मलबे तले दबकर 9 बच्चे जां बहक और 2 जख्मी हुए। जनाजे उठे तो गांव में सफे मातम बिछ गई। नमाज जनाजा में MPS उबेस शाह और फरुख शाह समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दूर इलाका है, जरा शहर से दूर है, जो हो सकेगा सिंध गवर्नमेंट करेगी। हादसे में मेहनत कश सम्मो शंबानी की तो दुनिया ही उजड़ गई। पहली बीवी से औलाद ना हुई तो दूसरी शादी की, जिससे 2 बेटियां और 1 बेटा हुआ, लेकिन अब वो भी छिन गए। अभी कोई नहीं जा रहा हुआ है, घर खाली हुआ है, अभी क्या करूं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाकये का नोटिस लेते हुए कमिश्नर सखर से रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन शाहिद सोलंगी के साथ साहिल जोगी, समा सखर। मरस की तशखीस अब हुई नामुमकिन, फैसलाबाद एलाइड अस्पताल की लेबोरेटरी में एक्सपायर्ड किट से टेस्ट किए जाने का इंकशाफ हुआ है। शाहिन शहजादी की रिपोर्ट।
غلط یہ خبر ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں، کبھی یہ ہو نہیں سکتا۔ اتنا بڑا ادارہ ہے، اس پہ بڑا کاؤنٹر چیک اور سسٹم ہے، بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہماری لیب ہے، تو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ مگر جناب، الائیڈ اسپتال کی لیبارٹری میں رکھی زائد المیعاد کٹس تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہی ہیں۔ جسم میں انفیکشن کا پتہ لگانے والی ٹیسٹ کٹس کئی ماہ پہلے اپنی میعاد پوری کر چکی ہیں، لیکن انتظامیہ انہیں استعمال کر کے مریضوں سے علاج کے نام پر پیسے بٹور رہی ہے۔ مریض کہتے ہیں جب مرض کی تشخیص ہی نہ ہوگی تو دوا کیا اثر کرے گی۔ جب ایکسپائر کٹ سے ہمارا ٹیسٹ کیا جا رہا تو انفیکشن ہی بڑھنا ہے، بیماریاں بڑھنی ہیں، اس کے نتیجے میں یہ کہ انہیں اس چیز کا سارا خیال رکھنا چاہیے۔ جس مشین سے یہ رپورٹ کر رہے ہیں نا، وہ تو پہلے خراب پڑی ہے ایکسپائر، اس سے رپورٹ کیا صحیح آئے گی۔ لیبارٹری کی دیگر ٹیسٹ کٹس کا حال بھی کچھ مختلف نہیں، جو مریضوں میں علاج کی بجائے موت کی وجہ بن سکتی ہے۔ کیمرامین رضوان صابری کے ساتھ شاہین شہزادی، سما، فیصل آباد۔ جامعہ کراچی میں اپلائیڈ کیمسٹری کے طلباء نے اسسٹنٹ پروفیسر کے ناروا سلوک کے خلاف احتجاج کیا، اسی پر رپورٹ کر رہی ہیں سونیا شہزاد۔ استاد کے خلاف جامعہ کراچی اپلائیڈ کیمسٹری کے طلباء سراپا احتجاج ہوئے۔ طلبا نے احتجاج کرتے ہوئے بس ٹرمینل کے سامنے ڈیرے ڈال دیے۔ طلبا کا کہنا تھا کہ اسسٹنٹ پروفیسر اشرف کمال طالب علموں کو غیر ضروری طور پر فیل کر دیتے ہیں، انہیں فوری برطرف کیا جائے۔ 85 اسٹوڈنٹس نے وہ پیپر دیا، 85 میں سے صرف 5 بچے پاس کیے گئے۔ ہم نے ری چیکنگ کی اپلیکیشن دی، چیئرمین صاحب نے منع کر دیا کہ میں ری چیکنگ ایسے نہیں کرواؤں گا۔ کلاس کے اندر گٹکا ماوا کھاتے ہیں، لیب کے اندر گٹکا ماوا کھاتے ہیں، کلاس میں کوئی ایک لیکچر آج تک ہمیں ڈیلیور نہیں کیا گیا ہے، صرف بک کی فوٹو کاپی دی گئی ہے۔ جامعہ کی انتظامیہ نے احتجاج ختم کرنے کے لیے رینجرز کو بلایا، تاہم طلبا نے کسی کی ایک نہ سنی۔ انتظامیہ کی جانب سے طلبا کو یقین دہانی کرائی گئی کہ اسسٹنٹ پروفیسر ان کی کلاس نہیں لیں گے، جس کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا۔ کیمرہ مین محمد عاطف کے ساتھ سونیا شہزاد، سما، کراچی۔ پشاور کی فنکار برادری ماہانہ وظائف نہ ملنے پر سراپا احتجاج ہے، کلچر ڈپارٹمنٹ سے فوری فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ہرا شاہ کی رپورٹ۔ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے یہ ہیں خیبر پختونخوا کے فنکار، جو ٹی وی ڈراموں میں اپنے کرداروں سے عوام کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہیں۔ آج بنے سراپا احتجاج، کلچر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ماہانہ وظیفہ نہ ملنے کے خلاف پشاور پریس کلب کے سامنے کیا احتجاج۔ بہت زیادہ بیمار ہوں، لیکن پھر بھی میں آئی ہوں اپنے حق کے۔ فنکار تو جی جی کر بڑھ رہے ہیں، پہلے بھی بڑھتے تھے لیکن اب زیادہ ہی بڑھ رہے ہیں۔ جو ان لوگوں نے ہمیں 9 مہینے کا ایک اعزازیہ دیا تھا، 2 مہینے وہ ہمیں اعزازیہ ملا۔ فنکاروں کا کہنا ہے کہ وظائف بر وقت نہ ملنے پر وہ ہے قسم کرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور، صوبائی حکومت فوری فنڈز جاری کرے۔ ہمارے فنڈز آئے ہوئے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں کلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس، جس کے لیے یہ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں، ہمیں وہ جاری کیے جائیں، ہماری چیک دیے جائیں۔ فنکار برادری نے مطالبات پورے نہ ہونے پر بنی گالا میں احتجاج کی دھمکی دے دی۔ کیمرامین محمد حیات کے ساتھ ہیرا شاہ، سما، پشاور۔ لڑکیوں کے عالمی دن پر کراچی میں سی ویو پر لیاری کی این جی او نے تقریب کا اہتمام کیا۔ خورشید عالم کی رپورٹ۔ لڑکیوں کا عالمی دن سی ویو پر لیاری کی فلاحی تنظیم نے کیا ایک رنگا رنگ تقریب کا اہتمام۔ پہلے ہوئی سائیکلنگ، لڑکیوں نے کہا کہ انہیں سب کچھ سیکھنا چاہیے۔ ہمیں ریس کرنے کا موقع بھی ملا جا رہا ہے، اور اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر گرلز کو ریس اور باکسنگ ہر چیز میں آنا چاہیے۔ لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہوتی، یہ دکھانا ہے ہمیں، اور ہم نے سائیکل چلانا ارادو پاکستان سے سیکھا۔ ہم لوگ لیاری سے ہیں، تو لیاری تو فٹ بال اور باکسنگ کا گھر، یہ تو ہم لوگ بچپن سے کرتے آ رہے ہیں۔ تقریب میں جرمن قونصل خانے کی ڈپٹی چیف بریجٹ نکول نے بھی سب کو شرکت کر کے حیران کیا۔ I have arrived 3 months ago in Karachi, so this first time for me cycling and this nice event for the girls, very nice, I'm very very happy۔ تقریب میں شریک سرکاری افسر نے کہا کہ لیاری کی لڑکیاں کسی سے پیچھے نہیں۔ گرلز ڈے ہے، یہاں پہ بھی، دنیا میں بھی، ہمارے ملک میں بھی، ہر پروونس میں عورتیں تو چھائی ہوئی ہیں، انشاءاللہ چھائی رہیں گی۔ سائیکل ریس کے بعد ثقافتی شو کو بھی شرکا نے خوب سراہا۔ کیمرامین مرغوب حسین کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ بلٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ کراچی سے خبر ہے جہاں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بورڈنگ پاس جاری کرنے والے سسٹم میں کوئی خرابی آئی ہے، بات کریں گے سما کی این کے پرسن فرح یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرح، کیا خرابی آئی ہے، کب تک دور کی جائے گی، کتنے مسافر اس وقت اذیت میں مبتلا ہیں؟
फैसल, इस वक्त मैं फाइनली पासपोर्ट कंट्रोल पे पहुंच चुकी हूं और यहां पर हजारों की तादाद में मुसाफिर पूरे पाकिस्तान में इस सिस्टम ब्रेकडाउन की वजह से चाइना जा रही हूँ, सिस्टम ब्रेकडाउन की वजह से मुतासिर हुए हैं और 3 बजे से ये सिस्टम डाउन है। बताया ये जा रहा है कि क्यूट नामी एक इदारा है जो कि टेक्निकल फैसिलिटी देता था, लेकिन आज 3 बजे से लेकर अब तक ये फैसिलिटी बहाल नहीं हुई है, जिसके बायस मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हैं। और इस वक्त भी एयरपोर्ट पर ऐसे बहुत से मुसाफिर जिनको आगे कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है वो परेशानी में यहाँ खड़े हैं और कोई बोर्डिंग पास देने वाला नहीं है, सिर्फ एमिरेट्स का सिस्टम चल रहा है और वो भी मैनुअल, वो एक एक शख्स का बोर्डिंग पास बना के दे रहे हैं, जिसमें आप यकीन जानिए कि इस घंटों की इस वक्त जो है ताखीर हो रही है और मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार है। और जब बात करने की कोशिश की जाती है किसी भी इदारे के अहलकार से या ऑफिसर से तो वो कोई भी जवाब देने से गुरेजा है, वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम का फॉल्ट हमें नहीं मालूम, कब तक सिस्टम का फॉल्ट हमें नहीं मालूम और मैनुअल काम हो रहा है जिससे बहुत देर में लोगों की बारी आ रही है। बहुत शुक्रिया फरा। हुकूमत ने स्मगल शुदा मोबाइल ब्लॉक करने का तरीका वजह कर लिया, कैसे होगा ये सब कुछ देखिए ये रिपोर्ट। स्मगल शुदा मोबाइल बेचने और खरीदने वाले होशियार, फवाद चौधरी ने बता दिया कि सस्ते के चक्कर में रस्ते का माल लिया तो नुकसान होगा। इस साल के आखिर तक स्मगल्ड फोन जो है वो पाकिस्तान में काम नहीं कर पाएंगे, उनका जो IMEI है वो ब्लॉक हो जाएगा। जो लोग बाहर से स्मगल कर रहे हैं या ला रहे हैं, मजीद ट्रांजेक्शन ना करें तो बेहतर है। फवाद चौधरी के ऐलान पर आवाम ने तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। 60,000 की बॉक्स पैक आती है, वो बिना बॉक्स के 30,000 की पड़ती है, तो आवाम को ज़्यादा फ़ायदा है ना। हर पीस लाने के 1500 रुपये अगर गवर्नमेंट फिक्स कर दे अपने पैसे तो गवर्नमेंट का इसमें फ़ायदा भी है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तला'आत ने कहा कि गैर कानूनी सिगरेट कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो सिगरेट का टैक्स है जो इस वक्त तकरीबन 77 अरब रुपया है वो सिर्फ 2 कंपनियों से आ रहा है, बाकी जो तमाम कंपनी गैर कानूनी सिगरेट बेच रही हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि टैक्स ना देने वाली पेंट कंपनियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। और इंसान ने पानी की मदद से उड़ना सीख लिया है, ये परवाज कैसे हो रही है बुलेटिन के आखिर में देखिए शहजाद अली की रिपोर्ट में। आज हम मौजूद हैं खानपुर डैम पर, जहाँ पर आपने तेज रफ्तार किश्तियाँ भी देख रखी है और बर्क रफ्तार जेट्स की भी, लेकिन आज आपको कुछ नया दिखाते हैं। वेट सूट, हाइड्रो वाटर हेलमेट और ए ग्रेड लाइफ जैकेट, फ्लाई बोर्ड की बक्कल्स टाइट की, अब ये एथलीट पानी के दोष पर उड़ने को तैयार है। वाटरक्राफ्ट के प्रेशर से जंप लगाया, अगले ही लम्हे खुद को हवा में पाया, झिलमिल झिलमिल करते पानी की छाती पर अपनी हिम्मत का नक्श बनाते जाओ, करतब पर करतब दिखाते जाओ। न्यू स्पोर्ट कमिंग अप इन द वर्ल्ड, इस स्पोर्ट को पूरे पाकिस्तान में एक्सपोज करवाएं, पूरी दुनिया में ये जो स्पोर्ट है इसके वर्ल्ड कप शुरू हो रहे हैं, तो वी वुड वांट कि आफ्टर 1 या 2 इयर्स हमारी पाकिस्तान की अपनी टीम वर्ल्ड कप में कम्पीट कर रही हो। ये सब देखने में जितना आसान लगता है हकीकत में इतना ही मुश्किल है। अगर ये सब देखकर आपकी नियत भी बेईमान हो रही है तो पहले खतरों के इस खिलाड़ी की राय जरूर सुन लें। वी स्ट्रांगली बिलीव के सबसे जरूरी चीज जो है इस पूरे प्रोसेस में वो है सेफ्टी इक्विपमेंट। जिस तरह ये सब कुछ इवॉल्व हो रहा है, इट्स हैपनिंग इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड सेफ। ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एक कोच की मौजूदगी बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी नौजवानों की इंटरनेशनल सी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी फ्लाई बोर्ड को पाकिस्तान खींच लाई। खानपुर डैम के बाद अब ये बहुत जल्द दीगर शहरों के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। नवम्बर दिसम्बर में इसको कराची लेके जाएंगे। कोशिश हमारी है की हम टूर डी पाकिस्तान करें, कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी लेक्स हैं पूरे साल में उनका विजिट करें। खानपुर डैम का साफ शफाफ नीलगू पानी और फिर वाटर फ्लाई बोट का साथ, इस पार भी रहना है मुझे, उस पार भी जाना है। अगर पानी की लहरों पर उड़ना आपका ख्वाब है तो खानपुर डैम चले आएं, हिम्मत के पार खोलें, उड़ना खुद सीख जाएंगे। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ शहजाद अली, समा खानपुर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।